इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। ये जो बेदारी करने का काम हम लोग कर रहे हैं, इसका मुख्य मकसद ही बेदार करना है, क्योंकि इतना बड़ा ईवीएम घोटाला परसों से चल रहा है, इसके बारे में पत्रकारों को तो समझाना पड़ता है, आपों को छोड़ो पत्रकारों को समझाना पड़ता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस देश में इतना बड़ा ईवीएम का घोटाला है। जिनको ये इल्म देना चाहिए वो इस इल्म को दबा रहे हैं। बहुत बड़ी कॉन्स्परेसी हो रही है भारत में। तो साथियों, इस देश में, इस जमहूरियत में हम लोगों को हुकूमत दिए दस्तूर ने, और दस्तूर को खतरे में डाला जा रहा है। इसका एकमात्र कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो कैसे, पहले मुसलमानों को कुछ पार्टियां अपनी वोट बैंक मानती थी, पहले इसके लिए बयान आपको दे दें। 2014 में चुनाव हुआ, मुसलमानों का जीरो अकाउंट खुला, अकाउंट में भी जीरो खुले। को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया, अब कोई पार्टियां उनके समर्थन में बोलने के लिए तैयार नहीं। साथियों, इस देश में जो लोकतंत्र है इसको समझना होगा, कैसा लोकतंत्र। संविधान में ये सिद्धांत लिखा गया, ये माना गया कि एक पहले कुछ जाति के लोग वर्चस्व करते थे और कुछ लोगों को मजलूम बनाया गया, धर्म का सहारा लेकर, और उनकी सिस्टम रेशियल है, वांछित है। आप किसी को समझा बुझा कर मुसलमान बना सकते हो, किसी को समझा बुझा कर क्रिश्चियन बना सकते हो, किसी को समझा बुझा कर लिंगायत बना सकते हो, किसी को जैन बुद्धिस्ट बना सकते हो, मगर किसी को भी समझा बुझा कर ब्राह्मण नहीं बना सकते। अगर ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मण के घर में ही, ब्राह्मण की औरत के कोख में ही पैदा होना पड़ेगा। रेशियल सिस्टम इसको काम किया संविधान, और संविधान ने हम सभी लोगों को, भारत के तमाम नागरिकों को अधिकार दिया, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। ब्राह्मण है इसलिए छटा करो, वोट ज्यादा नहीं भरेगा, मोची है, जवान है, मंगी है, इसलिए उसका आधा किलो वोट कम नहीं होगा, समान है, रानी और मेतरानी समान वोट रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जब दस्तूर लिख रहे थे तो उनके लिए नारायण चंद्र वो कहते थे कि वो रात्रा जगते थे, वो खाना तक भूल जाते थे, क्योंकि वो दुनिया से सबसे बड़े स्कॉलर थे, खाना तक भूल जाते थे। तो एक दिन वो आए तो उनका ड्राइवर गाड़ी के हॉर्न बजाता था, सिग्नल होता था अंदर के लोगों को कि साहब आ रहे, तो उनका दूसरा नौकर दौड़े आता था दरवाजा खोलता, इसको सिग्नल मिला उनके लिए। तो उन्होंने याद में लिखा है कि जैसे ही गाड़ी को हॉर्न बजा तो मुझे सिग्नल हो गया कि मेरे मसीहा आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर आ गए। हजारों सालों की गुलामी कष्ट करने वाला दस्तूर, जिनको चुना मना कहा वो आदमी दस्तूर लिख रहा है, इसलिए वो दौड़ा अंदर चला गया, पानी लेकर आ रहा था, बाबा साहब अंदर आ गए, अपना सूट पहन के, तो सूट तक नहीं निकाला, तो फौरन से उठकर आए थे, तो उनको एक ऑरियन का सूर अच्छा लगता था, बजाना नहीं आता था, तो कभी कभी रखते थे तो निकाला और मेज को सहारा लेकर ऐसा हो एक धुन बजाने लगे। तो नानक चंद्र रत्नू ने ग्लास ऐसा रखा और ऐसी तालियां बजाई, तो उनको पता चल गया मैं बजा रहा था, किसने देख लिया, वो हंस पड़े क्यों बजा रहे,
तो उसने कहा कि बाबा साहब आपने 2500 साल की गुलामी नष्ट करने का काम कर रहे हो, इतनी बड़ी गुलामी हम इतने जाति में बटे हुए आप दस्तों बना रहे हो, जरूर आज कोई ना कोई खुशी की बात है, अब खाना मिल जाते हो, अब लोगों को मिल नहीं रहे हो, आपका पूरा दिमाग ये दस्तूर का फॉर्म कैसे होगा, दस्तूर के आर्टिकल कैसे होंगे, कल मुझे क्या डिबेट करना है, कल मुझे क्या जवाब देना है, इसीलिए आप मत्था पच्ची कर रहे हो, जरूर आज कोई खुशी की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कहा कल मैं रहूं या ना रहूं, आज मैंने असेंबली में संविधान सभा में सभी ब्राह्मणों के मुंह तोड़ जवाब देकर एक आर्टिकल का फॉर्म करके आया हूं, पूरा आर्गुमेंट करके मैं जीत कर आया हूं, और उस आर्टिकल का नाम है वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है मुझे। हम वोट का अधिकार दस्तूर लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950, आज तक लोगों को मालूम नहीं है कि 26 नवंबर 1950 में संविधान का काम पूरा हो गया, अब लागू उसी दिन होना चाहिए था ना, इसके लिए इतना देर तक रुकने की क्या जरूरत पड़ी, इतना ज्ञाप करने की क्या जरूरत, 46 से काम चल रहा है दस्तूर बनाने का, तो एक महीना क्यों रुके, नवंबर दिसंबर 2 महीना क्यों रुके, 26 जनवरी को क्यों लागू किया, 26 नवंबर को क्यों लागू नहीं किया, 26 नवंबर और 26 जनवरी में अंतर क्या है, दस्तूर बन गया इसको लागू कर सकते थे, कांग्रेस के लोगों को याद आ गया ये लागू करेंगे तो अंबेडकर जीत जाएंगे, 26 जनवरी को लागू करेंगे तो कांग्रेस के ब्राह्मण जीत जाएंगे। क्या हुआ 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस ने आजादी का रेजोल्यूशन पास किया, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, कोई भी अगर तंजीम बनती है पहले उद्देश्य तय होता है बाद में संगठन बनता है, कांग्रेस बना तो पहले उद्देश्य होना चाहिए, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में मगर उसका उद्देश्य आजादी नहीं था, 1925 में क्यों लक्ष्य रखा आजादी का, क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन आ रहा था, 1918 में सॉल्ट ब्यूरो कमीशन आया था, सॉल्ट ब्यूरो कमीशन के सामने मराठा लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए शाहूजी महाराज ने डिमांड रखी, तब तिलक ने गाली देकर कहा, तिलक कांग्रेस के नेता, तिलक ने गाली देकर कहा कि तेली को क्या संसद में जाकर तेली का लाए, आज नरेंद्र मोदी से क्या निकालते पता पता करो, नरेंद्र मोदी तेली जाति से, इतनी अजीब बात है, जो ब्राह्मण तेली को गाली देते थे आज एक तेली को सर पर चढ़ाए, जो बृहस्पति कहती है तेली का मुंह देखना वाला आज 24 घंटा दिखा रहे, क्या कुंभों को हल चलाना है, गाली दिया, यानी ये ब्राह्मणों का काम है पार्लियामेंट में जाना असेंबली में जाना आपका नहीं है, ऐसा ऐलान किया, उम्र वो बुजुर्ग 1928 में साउथ ब्यूरो कमीशन आया, साइमन कमीशन आया, कांग्रेस ने गो बैक साइमन नारे लगाए, आप किताबों में पढ़ते हो ना, गो बैक क्यों, क्योंकि उस समय भी मजलूम लोग कह रहे कल संविधान बनेगा तो हमको वहां रिप्रेजेंटेशन करने का हक होना चाहिए, फिर उनको लगा कि मजलूम और मुसलमान इत्याद कर रहे हैं तो कल अगर आजादी मिलने मिलेगी तो ये लोग रुड़ा है, ये लोग हमारी गुलामी मजबूर मांगे नहीं करेंगे, तो मजबूर होकर उन लोगों ने आजादी का रेजोल्यूशन पास किया 1929 को 26 जनवरी को, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी तारीख को एज ए हिस्ट्री। अब जनवरी एक महीना आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता लग गया है कि संविधान अगर 100% लागू होता है तो ब्राह्मण लोगों को कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी 3% है और 3% ब्राह्मणों की औकात क्या है लोकतंत्र में, वो गांव का सरपंच नहीं चुन सकते, वोटी नहीं ना, 3% लोगों के पास अगर वोट नहीं तो आपने जमहूरियत में
उसको पूरा प्लानिंग समझाया और उसके तहत फैजाबाद जिले के कलेक्टर ने 23 दिसंबर 1950 को बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। हमारे साथ के जाने वाले बुजुर्ग हमारे आदरणीय नियाज जी, मुझे तुम्हारे साथ में किस्सा सुनाया। मैं मुस्लिम पसंदा बोर्ड में यंग अभी नौजवान मेंबर के तौर पर शामिल हुआ, तो मुस्लिम पसंदा बोर्ड के बुजुर्ग लोगों ने कहा आज राजीव गांधी आने वाला है, तो आप ऐसा करो हमारी बातें और हा हा बोलता है करके कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत इंटेलेक्चुअल बोलते हो तो तुम बोलो, मुझे गुस्से में मत बोलो, हमारी बातों को राजीव गांधी टालता है तो तुम बोलो मगर जरा अंदाज से बोलो, ज्यादा गुस्सा मत करो, गुस्से में मत बोलो। राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी बैठने के बाद सर तुम्हारे साथ जो नौजवान मेंबर है उन्होंने कहा राजीव जी अभी क्या तारीफ है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। उन्होंने मुझे बताया हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास अल्फाज नहीं है। आपके नाना जी बहुत महान थे, कितने महान थे कि आपके नाना जी ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई, बहुत महान। आप भी बहुत महान हो। आपने क्या किया, जो विवादित जगह थी जिसको ताला लगवाया गया था आपने वहां गए ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, फिर लोकसभा का प्रचार शुरू किया। आप भी महान। अब बीजेपी वाले कह रहे हम करेंगे राम मंदिर, हम करेंगे राम मंदिर, अब ऐसा करो उनको क्यों करने दे रहे हो, ये काम आप ही कर रहे हो। राजीव गांधी पसीरा पसीरा हो गए और कहा अभी मुझे जरूरी मीटिंग है, बस आधे घंटे में आ जाता हूं आपकी मीटिंग जाएगा। आए हमारे नौजवानों को मालूम नहीं है, मैं इसका एक संदर्भ बता रहा हूं, मैं घटना नहीं बता रहा हूं, घटना के पीछे की सोच बता रहा हूं। 26 जनवरी को लोकतंत्र लागू होने वाला है और 23 दिसंबर को हिंदू मुसलमान नाम की समस्या को पैदा किया गया। क्यों पैदा किया गया, अयोध्या के मामले पर विवाद होगा तो क्या होगा, फसाद करवाना होगा। फसाद में क्या होता है आपको समझ नहीं दे बताओ, फसाद में क्या होगा, दो को मन जाती है। अभी हम बैठे एससी भी बैठेगा, एसटी भी बैठेगा, ओबीसी भी बैठेगा, मुसलमान भी बैठेगा, चर्चा हो जाएगी तब फसाद होने दो कौम में तब्दील हो जाएगी। आपको समझाने के लिए बताता हूं, पुणे में शिवसेना का सम्मेलन चल रहा था, दूसरा सम्मेलन चल रहा था, प्रोफेसर देशपांडे उसके वक्ता थे, उन्होंने अपने बयान में बात करते हुए कहा हिंदुओं को समझाने से समझ में नहीं आता, हिंदुओं में जागृति कहां से पैदा होती है, हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से पैदा होती है। प्रतिक्रिया का मायने क्या होता है, इंग्लिश में रिएक्शन, कैसे पैदा होती है, खतरे में संविधान के कारण खतरे में यहूदी ब्राह्मण है, अब वो खतरे में है, संविधान को मजलूमों के हक के लिए बनाए, और जाता किसके बस्ती में, शिवाजी नगर में जाता है, ब्राह्मण खतरे में है जाता शिवाजी नगर में है, और शिवाजी नगर के ओबीसी को कहता है अरे तुम सोए पड़े हो तुमको पता नहीं तुम खतरे में, तो सर कुछ ना कर बोलते हमको कैसे पता नहीं चला, आपको कैसे पता ना चला ये तुम खतरे में, अरे हम पंडित जी है ना हमको पता है ना। वो बोलते किसके कारण खतरे में पंडित जी, वो बोलते मुसलमान के कारण खतरे में, जरा जाकर देखो, यानी खतरे में ब्राह्मण है, इस्तेमाल किसका कर रहा है, ओबीसी का कर रहा है। तो साथियों इस देश में पिछले 70 साल में लोकतंत्र आने के बाद ब्रिटिशों के समय में जितने फसाद हुए उससे कई ज्यादा फसाद आजादी के बाद हुए, और 65,000 फसाद हुए। चुनाव जीतना है तो फसाद करना जरूरी है, वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण करना जरूरी है, 60 पैसे सारे ऐसे चले। इंदिरा गांधी का समय आया, इंदिरा गांधी ने केरला के उपचुनाव के लिए एक प्रस्ताव रखा कि ईवीएम मशीन से चुनाव किया जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया में तब्दीली हो रही है, अभिषेक मनु सिंह ने प्रस्ताव रखा और ये
कम्युनिस्टों ने इसका समर्थन दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन दिया और केरला में इसका देश के तौर पर ट्रायल किया गया, चीप सेटिंग की गई और जैसा रिजल्ट आइए चाहिए वैसा रिजल्ट उस ईवीएम मशीन ने दिया। हमको जानकारी सही सही चाहिए। अब मुसलमान क्या क्या साइकोलॉजी बना हुआ है, मुसलमान का साइकोलॉजी बना हुआ है जब से बीजेपी भारत में आई है जुड़कर तब से जुड़कर नहीं अभी जानकारी खतरनाक होती है। प्रथम लोकसभा से लेकर वाजपेयी के आने तक कांग्रेस का रास्ता, वाजपेयी की सरकार कब बनी, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जब वाजपेयी की सरकार बनी तो वाजपेयी ने आईएएस लोगों की मीटिंग बुलाई और आईएएस लोगों को कहा कि बताओ हम मुसलमानों का कितना सत्यानाश करना बाकी है, जरा प्लान करके बनाते वही पूरा बनाएगा। तो उन्होंने वाजपेयी को कहा कि कांग्रेस ने इतना सपाट कर दिया है मुसलमानों को, इतना सत्यानाश कर दिया है वाजपेयी जी, अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, इतना सत्यानाश कर दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी का पुष्टिकरण करना है, हमें इल्म लेना है तो हमें सच को सुनना होगा, जरूरी नहीं कि आप तफ्तीश करो वेरीफाई करो बाद में मान्य करो। हमारा सूरत यहां बदला कैसे, आपको और जानकारी देता हूं, आरएसएस की स्थापना किसने की, जानवर के डॉक्टर केशव मलिरा गिरगेवा जानवर का डॉक्टर था, मगर आरएसएस की स्थापना करने के पहले कहां काम करता था, विदर्भ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, यानी साधारण मेंबर नहीं था, विदर्भ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। उसने आरएसएस की स्थापना की, पंडित नेहरू के बाद में नागपुर में जाकर उसकी पीठ थपथपाई, निकाला नहीं पुतला नेहरू ने उसकी पीठ थपथपाई और जब तक जिंदा रहा तब तक आरएसएस की चट्टी पहनकर गांधी के आंदोलन में जेल में भी गए। गोलवल करके 12 बहनों में समग्र गोलवल का ये जो सेकंड आरएसएस का चीफ बना उसके 12 बहनों में किताब है समग्र गोलवल का, उसके एक बहनों में एक खत मुझे पढ़ने में मिला कि ओडिशा में एक आदमी कांग्रेस का टिकट लेकर खड़ा हो गया, इसलिए उस इलाके में चर्चा शुरू हुई कि कैसे आरएसएस के लोग हैं, कांग्रेस को ताना भी मारते हैं और कांग्रेस की उम्मीदवारी के लिए तो चुनाव लड़ते हैं। तो उधर से कहता है आप प्रशिक्षण के लिए मत आओ, इधर ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो गोलवलकर ने उस प्रचारक को खत में लिखा कि आरएसएस का मेंबर रहने वाला कांग्रेस का उम्मीदवार रह सकता है और कांग्रेस का हिंदुत्व और आरएसएस का हिंदुत्व एक है। अब हमको क्या लग रहा है, कांग्रेस सेकुलर है, बीजेपी कम्युनल है, इनके लेटर्स क्या बता रहे, इनके रिकॉर्ड क्या बता रहे, ये जो मुसलमान नौजवान परेशान है क्यों परेशान है, उनको भी यहां देने में रखोगे, सच्चाई को ढूंढना होगा। ये हमारे सत्यानाश का एकमात्र कारण है यहूदी ब्राह्मण, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस यहूदी ब्राह्मणों की पार्टी, संस्थापक पूना के ब्राह्मण रानड़े गोखले तिलक, बंगाल के ब्राह्मण चैटर्जी बैनर्जी मुखर्जी है ब्राह्मण है मुसलमान, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जानते हो किसने बनाई, सर सैयद, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कांग्रेस शैतान होता है, उन्होंने अपोज किया, वो नहीं गए कांग्रेस में, महाराज ने ज्योतिराव फुले उस समय शूद्रों का संगठन बना रहे थे, उन्होंने लिखकर रखा, क्या लिखकर रखा, ये कांग्रेस नहीं है ब्राह्मण सभा है, मरते दम तक उन्होंने कहा ये कांग्रेस अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है महासभा, ज्योतिराव फुले ने उसका ट्रांसलेशन किया ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सभा कभी कांग्रेस नहीं, यहां तक कहा कि मैं मरने के बाद मेरे डेड बॉडी पर ब्राह्मण की छाया तक नहीं पड़ती, ब्राह्मण यहूदी है और यहूदी ब्राह्मण लोगों ने कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई, 3% ब्राह्मण की पार्टी, कितने अजब है लोकतंत्र में, ये सुनने के लिए भी जिनका गांव का वो सरपंच बनने के अवकाश नहीं है, लोकतंत्र
चार राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस, यहूदी ब्राह्मणों का दल, 3% ब्राह्मण के पास वोट नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गया? बीजेपी 3% यहूदी ब्राह्मणों का दल, 3% ब्राह्मण का, दूसरे नंबर का राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत टांगे, महाराष्ट्र का चिपाम ब्राह्मण और केरला का नंबूत्री पाठ ब्राह्मण, इन्होंने मार्कअप भाग बनाया, तीसरे नंबर का दल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, चौथे नंबर की पार्टी ममता बनर्जी, यानी 3% लोगों के 4 राष्ट्रीय दल है, मुसलमान 15% है, एक भी राष्ट्रीय दल नहीं, 3 बड़ा 1 बड़ा। बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं बेटा 15 बड़ा, लोकतंत्र में क्या हो गया? 3 बड़ा हो गया, 15 छोटा हो गया, उसे मैथमेटिक्स है लोकतंत्र में जिसे उल्टा पढ़ाया जा रहा है। एससी एसटी 22.5%, इनका एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है। ओबीसी 52%, इनका एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है। शरद पवार को बाउंड्री महाराष्ट्र, लालू को बाउंड्री बिहार, अलाउ है ऑल इंडिया में, मगर उनको कहा तुम्हें बिहार का सीएम बनाएंगे, उतने तक का औकात रखना और केंद्र में हमको सपोर्ट में वोट देना। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? बसपा ब्राह्मणों की पार्टी होगी, आज बसपा ब्राह्मणों की पार्टी, सपा ब्राह्मणों की पार्टी, अंधा ब्राह्मण। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुसलमानों ने तय किया, यूपी बिहार के लोगों ने, हम कांग्रेस को नहीं जीत पाएंगे, हम बीजेपी को नहीं जीत पाएंगे, 0 पार्टी को बड़ा करेंगे। अभी वो क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, अब उनकी मान्यता भी रद्द हो गई। अगर ब्राह्मण वोट डाला बसपा को, केंद्र में सरकार का समर्थक बसपा, अरे आपने तो कांग्रेस को नहीं डाला, आपने तो बीजेपी को नहीं डाला, इधर इनको डाला, इन्होंने केंद्र में सपोर्ट दे दिया। आपको कुछ बता, आपने उनको हटाने के लिए वोट डाला, मगर इन्होंने आपका वोट उनके अकाउंट में जमा कर दिया, रीजनल पार्टी अपने कर्नाटका में रीजनल पार्टियां है। साथियों, ये जो व्यवस्था बन गई, ये सोचने वाली है कि 3% विदेशी यहूदी ब्राह्मण इस देश में हुक्मरान कैसे बने? दिमाग से बने, चलाकी से बने, षड्यंत्र से बने। सेकंड दौरा है वो ईवीएम। ईवीएम आते आते सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, आपके साउथ इंडिया में जीवीएल नरसिंह राव, नाम सुना होगा, जीवीएल नरसिंह राव, इनके लोगों ने, ब्राह्मणों ने, एक्सपर्ट लोगों ने स्टडी किया और एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट अ रिस्क, गूगल पर अवेलेबल, पीडीएफ कॉपी मिलेगा। उस किताब में उन्होंने टेक्निकल रूप से सिद्ध किया ईवीएम में गड़बड़ी होती है। फिर बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया 2009 में, 5-6 साल पहले चली, 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट आया। जजमेंट में पैरा नंबर 27 में जस्टिस सदाशिवम ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी होती है, वी आर अग्रीड, मान्य कर, इसलिए उन्होंने वीवीपीएटी सिस्टम लगाने के लिए कहा, यह गड़बड़ी करती है, आंकड़े का कोई सबूत नहीं होता है, आंकड़े के साथ दूसरी मशीन जुड़ी जाए जिससे पर्ची निकलेगी, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम। पत्रकार पूछ रहा था इतना अंतर वीवीपीएटी लगाए, पत्रकार को मैंने कहा यह जजमेंट आया बात मालूम है, क्यों छापा नहीं आप लोगों ने, क्यों चिड़ी किया, लोगों को मालूम ही नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लोगों ऐसा जजमेंट आया लोगों को पता भी नहीं है, आप तो सोचा नहीं लोगों। फिर बाद में हमारे राष्ट्रीय सदस्य जनाब मोहम्मद मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि जितनी ईवीएम मशीन है उतनी वीवीपीएटी लगाओ, क्योंकि ये चोरी पकड़ने वाली मशीन है। तो ये 24 अप्रैल 2017 को जजमेंट आया, इस जजमेंट में क्या कहा, एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस जजमेंट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इंडिकेट दैट ऑल द वीवीपीएटी मशीन शुड बी अवेलेबल बाय सितंबर 2018। सुप्रीम कोर्ट का ये रंजन गोगोई का जजमेंट है, क्या हमारे वकील साहब देखो, ये जजमेंट भी क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इंडिकेट्स That all the
VVPAT machines should be available by the September 2018 and such machines should be available for the diplomat in the next general elections to be continued 7th Lok Sabha. क्लियर मेरा है कि 2019 का चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन ने हमको लिख के दिया है और मैं मिश्रा आप शांत रहिए, आप बहुत गुस्से करते हो वकील को भेजकर, आप बहुत हम पर नाराज हो, आपके केस में दम है या नहीं करते हैं, हम मिश्रम का केस क्या है, मामन मिश्रम का कहना है तुम 8 अक्टूबर को मान्य कर रहे हो ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, 2014 का चुनाव हुआ तुमने 0.31 वीवीपीएटी लगाया, घोटाला किया, होने वाला है कि घोटाला करने वाले हो, ऐसे क्या इसमें लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 17वीं लोकसभा यानी 2019 के चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग ने हमें लिखित में दिया है कि हम लोग 2019 के चुनाव में वीवीपीएटी लगाएंगे। अमन मिश्रा जी ने कोई खबर नहीं, लोगों को पता ही नहीं, कोई आदमी लगा जीत कर आया कि वो एक छोटी खबर आई इकोनॉमिक टाइम्स में कि ऑल दी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेडरेशन यानी बांसे फोर्सेस भारत सरकार की केक चली। बांसे कोई राजनीतिक तंजीम नहीं है, एम्प्लॉइज लोगों का संगठन है, हम जो बेदारी कर रहे हैं हमारे लोगों को हुक हकूक मिलाने के लिए, अधिकार मिलने के लिए एक गैर सियासी तंजीम ने कोर्ट में आवाम के जीता, इन्होंने पर्दे के पीछे कानून चेंज कर दिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत भारत में चुनाव होते हैं उसमें पर्दे के पीछे तब्दील कर दिया, अब वो कानून अमेंडमेंट करके ये हो गया कि अगर वीवीपीएटी लगा भी दिया तो सेकंड नंबर की पार्टी या सेकंड नंबर का कैंडिडेट ही उसकी रिकवरी की डिमांड कर सकता है। संविधान ने कहा ऑल इक्वल, इलेक्शन कमीशन ने एग्री किया कि हम लगा देंगे, पर्दे के पीछे लॉ चेंज कर दिया यानी वीवीपीएटी लगाकर चेकिंग कर दिया, हो गया चेकिंग। हम लोग इतने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की बात की औकात नहीं है कि हमारी सभा में आकर इंटरफेयर करे, आप बीजेपी सरकार के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं, हम पहले दस्तावेज बनाए फिर सड़क पर उतारे, हमें मानता हमें जब हमारे लोगों के पास जाएंगे तो हमारे लोगों का भी दिमाग उधर उधर जाता है, हमारी तरफ आता नहीं, हमारे लोगों को रुके की तरफ आता नहीं, कुछ पत्रकार भी बन जाए वोट भी जाते क्यों नहीं, हमने इतना रट्टा लगाया कि इतने जल्दी में फैसला सुनाया क्योंकि हमारे पीछे संगठन है, मगर जालिम लोग जैसे ही हम जीत गए उन्होंने कानून तब्दील किया, अब ईवीएम मशीन भी चोरी करेगा और वीवीपीएटी लगाने का तो सवाल है ही नहीं। 2019 में 19 पार्टियां कोर्ट में गई यह कहकर कि कम से कम 50% लगा, अरे सुप्रीम कोर्ट आप उनको उन्होंने कहा हमारी केस अभी भी चल रही है, ये इसके बाद नहीं केस तो उन्होंने कहा मामन मिश्रा आप आपकी केस को ज्वाइन कर, तो आपने कहा हमारी डिमांड छोड़ी है 50% वीवीपीएटी लगा, हमारे कहनी है ये जो जजमेंट आपने दिया इस पर अमल करो, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, ये लोग जो है जनता को मालूम ही नहीं, अलग अलग तंजीमों को पता ही नहीं है, तो ये साथियों ये सैलाब उत्तर भारत से शुरू हुआ है, अब ये कर्नाटक में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अगर मुसलमानों को तो हिंदी आती है, हमारे स्वामी और हमारे लोग कन्नड़ा में बोलकर समझा रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय सदन की यात्रा नहीं आ रही है, वो जनवरी में आएगी, वो अभी महाराष्ट्र में चल रही है, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम मैं और स्वामी हम दौड़ लगा रहे हैं कि चलो इसके लिए थोड़ी आगाज कर दे कि आ रहा है सैलाब आ रहा है। अब सवाल है ईवीएम मशीन से घोटाला कर रहा है ब्राह्मण, क्यों कर रहा है, इसका मेन कारण है एक ब्राह्मण विदेशी, अब 3% वाला ब्राह्मण विदेशी योगी उसका
यहूदी लोगों से मिलो। अभी कल परसों एक खबर आई कि राखी कड़ी में कुछ कंकाल मिले 2015 में डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर को, तो उसका डीएनए उधर कोरिया में मिला है और उसकी बातें अभी पर रही है। 18 पन्ने का रिपोर्ट है। 2015 में मैं खुद राखी कड़ी गए, वहां पर मैंने भी संगठन की तरफ से रिपोर्ट बनाया, फिर वहां डेक्कन कॉलेज में उसको मिलने गए, फिर कैमरा लेकर गया, फिर उसको होशियारी से उसके दिल की बातें निकाल दी। उसने एक घंटा मुझे इंटरव्यू दिया, मैंने कहा इसको सफा किया था, अभी डिस्क्लोज करना उचित। उसने कहा ब्राह्मण विदेशी, अब उसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, हंगा तो करना पड़ेगा। अब वो डीएनए का रिपोर्ट भी आ गया, उस रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसका R1, उसका नंबर है R1, ये साउथ इंडियन द्रविड़ लोगों से डीएनए मिला, आर्यन लोगों से, ब्राह्मण लोगों से नहीं मिला। उसके अंदर ब्राह्मण का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है डीएनए जो अभी आया ये सही है, मगर अंग्रेजी, हिंदी और रीजनल कन्नड़ भाषा या रीजनल गुजराती भाषा, इसमें गलत रिपोर्ट निकाली है, झूठे रिपोर्ट निकाली है, उसमें फॉरेनर्स लोग हैं। 2001 में डीएनए रिपोर्ट आया डॉक्टर माइकल मामशाद का, उसमें सिंध व ब्राह्मण विदेशी, SC/ST ओबीसी और माइनॉरिटी का आपस में डीएनए मिला। 2017 में टोनी जोसेफ ने डीएनए टेस्ट किया, उसमें भी ब्राह्मणों का विदेशी, यूरेशिया से। अभी जो डीएनए आया इसमें भी कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि ब्राह्मण का डीएनए हमसे मिलता है, ब्राह्मण का डीएनए विदेश के लोगों से। अभी आज भगवान मेश्राम जी ने ऐलान कर दिया मोहन भागवत को कि तुम्हें खुली चुनौती है सबुतला, अगर ब्राह्मण का डीएनए हम लोगों से मिलता है तो नहीं, तो इस बात को स्वीकार, विदेशी है, तुम्हें इतनी जल्दी खदेड़ नहीं देंगे, रहने देंगे भारत में, एज अ नागरिक के तौर पर रहने देंगे, संविधान के दायरे में रहना होगा, छुआछूत नहीं मानना होगा, गैर बराबरी नहीं माननी होगी, उच्च नीचता, वांछित भेद नहीं मानना होगा, फिर बाद में अगर तुम करोगे तो हमारा संकट जारी है। एक झूठ को हजार बार बोलो लोग यकीन करते हैं, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। ये लोगों का विदेशी मुल्क पकड़ के आ गया, उनको डर मानसिक से है। इसलिए साथियों आने वाले समय में हमें क्या करना होगा, चुनाव से हमारे लोगों के वोटों की चोरी होती है, इसलिए कई सारे सबूत हमारे पास खतर है, कैंडिडेट के वोट की चोरी होती है। अमरावती में राणे नाम के कैंडिडेट की वोट की चोरी हुई, टीवी से झगड़ा करते वक्त कहा हो सकता है मेरे बाप की, मेरे सगे संबंधी ने वोट नहीं दिए होंगे, हो सकता है मेरे दोस्तों ने वोट नहीं दिए होंगे, गली के लोगों ने नहीं दिए होंगे, ये भी हो सकता है कभी कभार मैंने मेरे माँ बाप की बात नहीं मानी होगी तो लोकतंत्र में मेरे बाप ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, माँ ने वोट नहीं दिया होगा, तो कभी कभार मैंने झापड़ झुपड़ मार दी होगी बीवी को, कहा तुझे झापड़ झुपड़ मार दी होगी तो तुझे भी लगा होगा लोकतंत्र आया, मैं पति को सबक सिखाती हूँ इसलिए तुम्हें वोट नहीं डाला होगा, मगर मैं इतना नालायक नहीं हूँ कि मैं अपने आप को वोट न डालू। कैंडिडेट का वोट नहीं मिला, अभी तेलंगाना में रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज चुनाव के लिए खड़ा हुआ, कोई हुआ हार गए, हारने के बाद पत्रकारों ने पूछा कैसा लग रहा हारने के बाद, तो उसने कहा अब क्या बोलूं, मैं जिंदगी भर रिटायर होने तक मैं दूसरों के फैसले करता रहा, अब मेरा फैसला कौन करेगा। 2017 में योगी की सरकार आई थी, घोटाला करके 2017 के बाद एक महीने बाद तुरंत सहारनपुर जो मुस्लिम बहुल जिला है देवबंद उस इलाके में, मैं 17 में उधर ही था, तो एक महीने बाद ऐसे वहां कॉर्पोरेटर के चुनाव आए, वहां एक मुस्लिम पढ़ी लिखी औरत थी, सड़क पर उतरती थी, लोगों की लड़ाई लड़ती थी, लोगों की राशन कार्ड बनाती थी, आधार कार्ड बनाती थी, लोगों की समस्या में खुद खुद पड़ती थी, उसको लगता था मेरा दीनी फर्ज है और मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इसका कोई जिम्मेदारी है, तो समाज में उसकी वजन नहीं, समाज ने मीटिंग बुलाया और कहा बहन हम अहरे गहरे को खड़ा करते इस बार तुम्हें खड़ा करेंगी, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो उसने कहा नहीं तुम्हें खड़ा करना है, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, लोगों ने उसको निर्दलीय खड़ा किया और चुनाव होने के बाद अखबार में छप फोटो आने लगे कि आने वाली ये चुनकर आने वाली इसका काम बोल रहा है, हार गई चुनाव, हारने के बाद पत्रकारों ने घेर लिया, आपको कैसे लगा।
दैनिक जागरण की खबर है, आज भी ऑनलाइन खबर है। क्या कहा उसने? उसने जो कहा उसकी हेडिंग है, उसने कहा अरे मेरा खुद का अपना वोट कहा गया। इसलिए साथियों आपके खिलाफ कानून बनाने की जरूरत हो रही है। क्या लगता है जब कोई नौजवान बच्चा सड़क से गुजर रहा है और उसको रास्ते में पकड़कर मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है तो सुनकर बुरा लगता है? एक मिनट में शंकरनाथ नाम के आरएसएस के आदमी ने 55 साल की उम्र वाले मुसलमानों को राजस्थान में काट डाला तो रेडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, क्योंकि मारने वाला भी वही था, शूटिंग करने वाला भी वही था। अब बीजेपी का आईटी सेल, आरएसएस का आईटी सेल, उसी ने वायरल किया। नाम तो मुसलमानों के आईटी के, उनके पास कई सारे प्रोफाइल है मुसलमानों के नाम के, झूठे प्रोफाइल आरएसएस वाले लोग चलाते हैं। क्या आया? एक घंटे में वायरल हो गया, सबकी दिलों की धड़कन बढ़ने लगी। मैं आपको बताऊं साथियों, 267 लोग मारे गए। न्याय बुरी बात है, बुरा लगता है। अरे अगर गलत है तो कोर्ट में केस दाखिल करो। वैसे तो 52,000 बच्चे हैं हमारे जेल में। हमारे लोगों को दुनिया भर की फिक्र, अपनी फिक्र ही नहीं है, दुनिया भर का इल्म है, अपना इल्म ही नहीं है। इस देश में 52,000 मुसलमान सलाखों के अंदर है। मुसलमानों को 1.5% जॉब मिल रहा है। मुसलमानों की हालत इतनी बुरी है, सच्चा कमीशन ने बताया कि शेड्यूल कास्ट से बदतर है। मुसलमान का दीन भी खतरे में है, मुसलमान की टोपी भी खतरे में है, मुसलमान की दाढ़ी भी खतरे में है। आज ये जो पहचान थी, आज ये देशद्रोह देशभक्ति का मामला बना हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर ने मामला किया 2019 में, एमपी बन को चुन ली है। प्रज्ञा ठाकुर ने बदलाव किया केवल में उसका फोन टैपिंग किया, करकरे ने उसका फोन टैपिंग किया, फोन रिकॉर्डिंग कोर्ट में फाइल किया। उसका डायलॉग है, अरे गाड़ी अंदर क्यों नहीं लगाई, मेरी गाड़ी थी वो, अंदर क्यों नहीं लगाई, उनको सबूत में मिल गई है। कम लोग इतने कम लोग क्यों मरे, ऐसी करने वाली बात आपकी एमपी ईवीएम का कमाल। प्रज्ञा ठाकुर ब्राह्मण, रमेश उपाध्याय ब्राह्मण, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ब्राह्मण, सुनील जोशी ब्राह्मण, असमानंद उर्फ आसिफ चटर्जी ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों को मामला किया। मुसलमानों पर 52,000 लोग अंदर सड़ रहे, अब उसके बाद मॉब लिंचिंग आया, मॉब लिंचिंग में 267 लोग मर रहे, बुरी बात है। एक मिनट में मुसलमान का कत्लेआम करना और यही फैसला हो जाना बुरी बात है। मगर साथियों आप कल्पना करो, एक मिनट में कोई मुसलमान बुजुर्ग या मुसलमान नौजवान मारा जाता है, और एक समस्या है। अब दूसरी समस्या, पूरी की पूरी कौम लोकतंत्र के दायरे के बाहर खदेड़ दी जाती है। ज्यादा डेंजर कौन सा है? ये हमारे साथी जो बोल रहे थे कि जेल से मत डरो, ये जो साथी लड़ रहा है इन लोगों को जब से ज्यादा बदनाम किया है झारखंड में, आप लोगों को बदनाम किया, आप लोगों को रहने पर जाने के लिए डर नहीं रहे, आप लोगों की कतलेआम हो रहे फिर भी डर नहीं रहे। आप लोगों की यह समस्या है कि मिनटों में आपके नौजवानों को मार डालना और पूरी की पूरी कौम को लोकतंत्र के दायरे के बाहर खदेड़ देना। मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा, सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा है? एक आदमी को मार डालना और पूरी की पूरी कौम को लोकतंत्र के दायरे के बाहर खदेड़ देना, ज्यादा डेंजर कौन सा है? लोकतंत्र के दायरे के बाहर खदेड़ देना। इतनी औकात हो गई हमारी इन विदेशी लोगों के कारण। ये औकात केवल मुसलमानों की नहीं है, ये आदिवासियों की, 20 लाख आदिवासियों को कोर्ट ने जंगल से बाहर जाने का ऑर्डर दिया। पढ़े लिखे नहीं है, काम धंधा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्या करेंगे वो बाहर आकर? मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए यही हालत, शेड्यूल कास्ट की है यही हालत, ओबीसी की है यही हालत, मुसलमानों की है। इसलिए साथियों हमारी समस्या इसीलिए है कि हम अकेले लड़ना पसंद कर रहे हैं। अकेले लड़ोगे क्या? सबसे ज्यादा
मारे गए हैं सबसे ज्यादा बदनाम मुसलमान से भी ज्यादा सिख हुए हैं। अकेले अकेले लड़े अकेले 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 लड़ोगे सलाखों के अंदर जाओगे, बदनाम हो जाओगे। तो हमने तय किया अकेले अकेले लड़ने की वजह इतिहाद करते, इकट्ठा आते, कॉमन मिनिमम कार्यक्रम बनाते, और कॉमन मिनिमम कार्यक्रम बनाकर ये बना बहुजन क्रांति मोर्चा। बहुजन का मतलब कुछ लोगों को, थोड़े पुराने लोगों को लगता है बहुजन ये बसपा की, बहुजन समाज पार्टी, इसका हमारा छत्तीसगढ़ में बहुजन यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 85%, हम बहुजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अल्पजन है बहुजन बना। अल्पजन की लड़ाई अब से नहीं 5000 साल पुरानी। इस बैनर के इस तरह अफवाह, अपना अपना बैनर, अपना झंडा, अपना डंडा, अपने स्लोगन सब लेकर आना है, और इस छत्ते के नीचे खड़ा होकर बोलना है। जब इस छत्ती के नीचे खड़ा होकर बोलोगे तो ब्राह्मण और आप दोनों के बीच में बोले, ये प्लानिंग है, ये कार्यक्रम है, ये आखिरी रास्ता नहीं है चुनाव, उन लोगों की बहुत आगे तक नहीं है। अब हम लोग कब जागेंगे? अब 2024 में चुनाव आएगा तब जागेंगे। 2024 को उन्होंने टारगेट रखा हिंदू राष्ट्रवाद, फिर हमारे लोग क्या करेंगे तब तक? तो हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस मौके पर एक आखिरी बात कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। साथियों, मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि वो दो उपकार हम लोगों पर करें, ये हमको हिंदू कहना बंद कर। अगर लड़ाई लड़नी है बड़ी तो सोच अपनी होनी चाहिए, शब्द अपने होने चाहिए, ख्याल अपने होने चाहिए, सिद्धांत अपने होने चाहिए। मुसलमान गैर बराबरी को नहीं मानता है, वो मसावात को मानता है। हिंदू कहना बंद करे, नंबर एक। नंबर दो, इस वतन को हिंदुस्तान कहना बंद करे। क्या वो हमारे समाज पर चढ़ गए इसलिए अनजाने में बोल दिए थे? क्योंकि वो बड़े बड़े लोग बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, हमारे साथ भी शुरू में आके हिंदुस्तान बोल दिए। जब वो सुना तो उनके जुबान में दोबारा आने लगा, फिर बाद में उनको याद आने लगा, नहीं मेजराम जी बोलते हैं इसका मतलब ये। तो उन्होंने कह दिया, अरे आगे इंडिया भारत कितना दूर, हिंदुस्तान का मतलब क्या? क्या सिखों का स्थान नहीं? क्या लिंगायतों का स्थान नहीं? क्या क्रिश्चियनों का नहीं? क्या जैन बुद्धिस्टों का नहीं है? ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हम हिंदुस्तान कह रहे हो गए ना। जब संविधान बनाया तो संविधान की पहली लाइन में क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था ये वही लोग हैं, शब्दों का क्या खेल कर खेलते हैं उनको मालूम था, तर्जुमा भी कर दिया इंडिया यानी भारत, वो हिंदुस्तान करने वाले मालूम है। हिंदू परिचय शब्द, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना है आपने? स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात का ब्राह्मण था, सन 1874 में बॉम्बे में संगठन बनाया, उस संगठन को नाम रखा आर्य समाज, हिंदू समाज नहीं रखा, आर्य समाज। और आर्य समाज की किताब लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, इस किताब में उसने लिखा हम लोग आर्य लोग हैं, हम हिंदू नहीं है। हिंदू क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, लिखा है। मुसलमान कौन है? एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट हुए लोग हैं। मुगल अलग थे, मुसलमान अलग थे, हम हैं विवाद करता भाषा बंदी एससी एसटी ओबीसी से ही कन्वर्ट हुआ इंडिया के मुसलमान। ये पर्शियन शब्द है जिसके मायने हिंदू यानी काला चोर, हिंदू यानी काला डाकू, हिंदू यानी गुलाम, और एक मीनिंग बास्टर्ड है। अब जाहिर है वो छाती पिट पिट कर करता है, वो अब जिसको समझ में आए वो क्या करेगा? ब्राह्मण बात करता है हिंदू राष्ट्र की और मीटिंग करता है इसराइली लोगों के साथ, तरह समझा करो। इधर लोगों को उकसाने के लिए कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मीटिंग सीटिंग इसराइली लोगों के साथ। ये 26 तारीख को इस महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉम्बे में इसराइली स्कॉलर लोगों के साथ मीटिंग किया, उसमें स्ट्रिक्टली आईडी कार्ड देकर इन्वाइट किया था और सब्जेक्ट था ज्यूइज्म एंड हिंदुइज्म। और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा हम संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करेंगे। मोदी नहीं है असली दुश्मन, मोदी नहीं है असली दुश्मन, ये तो वो खेत में जो खड़ा करते हैं ना, ये है मोदी,
किया, ऐसा करा क्या? असली मालिक तो मोहन भागवत है, असली जो प्लानर, असली माइंड जो है भागवत है। लोगों को बुरा लगने के लिए हम कहते हैं ये नॉमिनेटेड पीएम है, इलेक्टेड पीएम है, ये तो नॉमिनेटेड पीएम है, ये तो ब्राह्मण का रखा हुआ पीएम है। जैसे कोई औरत रखते हैं वैसे रखा हुआ पीएम है, इसकी कोई वजूद नहीं है, ये नॉमिनेटेड है। और ईवीएम के जरिए से नाजायज तरीके से खड़ा किया है, असली पावर तो उसके पास है। अरे से इसके सामने झुक गया था कभी मंत्रिमंडल को लेकर झुक गया? क्या संविधान में लिखा है आरएसएस के सामने ब्राह्मणों के सामने झुक जाओ? देश का प्रधानमंत्री होगा वो एक धर्म का नहीं होगा, सबके साथ होगा। क्या करता गंगा आरती का? लिखा है संविधान में गंगा आरती करेगा, उसका निजी धर्म हो सकता है, प्रधानमंत्री का धर्म नहीं होगा। राष्ट्रपति का निजी धर्म हो सकता है, राष्ट्रपति का एज ए राष्ट्रपति कोई धर्म नहीं होगा। इस देश में वो जो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं इसके कारण आपका भी खतरे में, इसके लिए क्या करना होगा आने वाले समय? इसके लिए आगे वाले समय में दोस्त दुश्मन पहचान करनी होगी। तो हम लोग आपको लिपटना चाहते हैं और दुश्मन को निपटना चाहते हैं। तो निपटने के लिए शब्द हमारे होने चाहिए। आप ज्यादा क्या कहो? मजलूम लो, दीदी भाषा में क्या कहो इनको? मजलूम लो। संविधान की भाषा में क्या कहो? ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ये ओबीसी के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, हम भी बहुजन हो। आने वाले समय में एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया कि हम कुत्ते बिल्ली की तरह मरना पसंद करेंगे, लड़के बने आने वाली नस्लों को बचाएंगे। इसके लिए 40 साल से बामसद मेहनत कर रहा है, आज की तारीख में 31 राज्यों में बामसद संगठन है, 550 जिलों में, 4500 तहसीलों में। यूट्यूब पर जाओ, असल तुम्हारी साहब की पुरानी स्पीचे सुनो, उन्होंने कई घंटों तक बामसद किया है, ये अपने तकरीरों में लोगों को बताया है। अब जाकर थोड़ा मुसलमानों को पता चल रहा है कि बामसद भी एक कोई तंजीम है। साथियों, आखिरी में बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। माई सुमत समस्या बहुत है, इससे कभी कभी डर लगता है, कभी कभी खौफ पैदा होता है। इस परिवर्तन यात्रा का मकसद लोगों को ये सारी समस्या का गिनती करके मायूस करना नहीं है, रियलाइज कराना है। अगर रियलाइज होगा तो रास्ता मिलेगा, अगर हमारे लोगों को उसका रियलाइजेशन नहीं होगा तो रास्ता कहां से होगा? आप मायूस मत हो। क्या कहा है? रास्ता बचने का है, दस्तूर में है और कुरान में भी है। कुरान में कहा जालिम को सरपरस्त मत मानो, जालिम कभी अपना सरपरस्त नहीं बन सकता। क्या एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम बन सकता है? नहीं बन सकता। कौन आपका विकल्प बन सकता है? मजलूम के साथ इत्तेहाद करो। तो आने वाले समय में हम जो लड़ाई लड़ने वाले हैं माइंडसेट से नहीं होगी, लोगों के अंदर बेदारी करनी होगी, त्याग करना होगा। और साथियों, मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होता है, इसके लिए प्रयास करना होगा, इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी। इसके लिए यह नहीं सोचना होगा कि अरे आज ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़े बड़े स्वामी आए, बड़े बड़े प्रोफेसर साहब बाहर के राज्य से आए, इतने लोग आए, हाँ ठीक है हम समीक्षा करते हैं, हमने तैयारी कर लिया, अगली बार ज्यादा करेंगे। मालूम नहीं था हमको, इतना पता नहीं था क्या बड़ा लक्ष्य है। हम इसको समझेंगे, तरबीती क्या लगाएंगे, सुनेंगे, हम इसके मेंबर बनेंगे, हम इसकी शरीक होंगे इस मूवमेंट में। ये मसावात का आंदोलन है, ये दूसरी जंग आजादी है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये आने वाली जनरेशन को बचाने का कार्यक्रम है, चला रहे हो तो। इसलिए कभी मायूस नहीं होना है, अगर डरना है तो अल्लाह ताला से डर। क्यों अल्लाह ताला से डरना है? आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। किसके साथ खड़े थे? जालिम के साथ खड़े थे कि मजलूम के साथ खड़े थे? इससे तय होगा आपका मेजरमेंट जो है, इस पर तय होगा कि आपने नेक काम क्या किया। जालिम के साथ खड़े थे कि मजलूम के साथ खड़े, इस पर न्याय होगा, इस पर फैसला होगा। हजरत अली साहब ने फरमाया था, मोमिन
जितनी देर से जगोगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। यही है दूसरा रास्ता। उन्होंने आगे ये कहा, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। 200 ने लाशें उठाई और कितनी उठाई। मुसलमानों के लिए ईमान बहुत महत्वपूर्ण है। ईमान के मायने क्या है, माफ करना भाइयों क्या है, मैं आपको रियलाइज करने के लिए बताना चाहता हूं। या बड़े हजरात है, माफ करना गुस्ताख के माफ हो। ईमान का मायना है, पहला दर्जा है ताकत के साथ जालिम को रोको। हम मजलूम है, हम भूल रहे इनके साथ को, इनके साथ को रहे। अरे हम तालीम से लड़ रहे, हम ताकत में रहे। तो आपका पहला दर्जा ताकत के साथ जालिम को रोको, ईमान का पहला दर्जा। ईमान का दूसरा दर्जा जुबान से रोको, ताकत से नहीं रोको जुबान से रोको। और तीसरा दर्जा है कि दिल से तो कहो आरएसएस वाले बुरे कर रहे हैं, बामसिप वाले सही कर रहे हैं, इतना तो बोलो। इसके पास कोई दर्जा है। मैं बड़े बड़े जलसों में जाता हूं, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाता हूं, उनके साथ भी जाता हूं, मस्जिदों में जाता हूं, तो बाकी इमाम मौलाना उसमें दुआ पढ़ते थे। तो पहले तो मालूम नहीं था, जाने लगे तो पता चला, और दुआ में जिक्र होता था हमारा। आज भी यहाँ गए दरगाह पर गए तो एक हमारे आलिम थे, उन्होंने दुआ पढ़ी, बहुत अच्छा लगा कि इमाम से भी जो काम कर रहा है इनको अच्छी मदद मिले और बुरी नजर से ये लोग बचे, हमको अच्छा लगा। एक मिनट मुझे बहुत अच्छा मगर हजरत जब मैंने ये सुना दुआ का तो मुझे दिल से अच्छा लगा। जब आप कहते दुआ में याद रखो, याद तो रखो मगर दुआ में भी रखो। तो मैंने उन बड़े हजरत को पूछा, हजरत साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, मगर मुझे इल्म लेना है कि दुआ का सिलसिला कब से चालू था, कब से चालू था इस्लामिक हिस्ट्री। तो उन्होंने बताया कई पुराना बहुत। मैंने कहा क्या अल्लाह के नबी पैगंबर साहब के समय भी चालू था। हाँ उस समय भी चालू। उन्होंने कहा उनका क्यों नाम ले रहे हो। मैंने कहा अल्लाह के नबी मजलूमों के लिए जंग में उतरे, उनसे लड़ाई लड़ी, अपने तलवार उठाना पड़ा, अपने दांत तक शहीद करने पड़े उन्हें। जब भी उनकी कोई बात सुनते तो हमें इस्लाम जल्दी समझ में आता, वो लड़ाई लड़ेगा इसलिए जल्दी समझ में आता हम लोगों। इसलिए मैं उनको सोचकर इस्लाम की तारीख को समझता हूं, इसलिए पूछा। उन्होंने कहा सही है, चलो बता देता हूं, चाहिए बता देता हूं, तुम अच्छे लोग इसलिए बताता हूं। उन्होंने फरमाया अल्लाह के नबी ने कहा एक दौर आएगा, एक समय आएगा, नेक लोग दुआएं मांगेंगे और वो कबूल नहीं होगी। सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों। एक दौर आएगा, एक समय आएगा जब नेक लोग दुआएं मांगेंगे और कबूल नहीं होगी, ऐसा क्यों। तो नबी ने फरमाया कि वो नेक लोग किस काम के, जुल्म हो रहा है हाथ पर हाथ चले बैठे। वो नेक लोग किस काम के, जुल्म हो रहा है हाथ पर हाथ खड़े बैठे, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी जुबान को ताले लगाए बैठे, तो क्या करेगा अल्लाह ताला, अजाब लाएगा, जुल्म रुकेगा नहीं और बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो नेक लोग दुआ अल्लाह को याद करते हुए दुआएं मांगेंगे और वो कबूल नहीं होंगे। तब मुझे इस्लाम का असली प्रैक्टिकल सिद्धांत समझ में आया कि उन्हीं को मदद आती है जो पहल करते हैं। हम पहल कर रहे हैं साथियों, इस जंगे आजादी में सबको शरीक होना है, वो लड़ाई हम जल्दी निपटने की तैयारी में है। पहले बहुत समझना पड़ता था तो थोड़ा थोड़ा दिखता था, अब सबको समझ में आ रहा है। लोग हमें तलाश रहे, हम लोगों को तलाश रहे, अब लोग मिलते जा रहे, कारवा बहुत बड़ा हो गया है। हम 2-2.5 लाख गांव तक पहुंच गए, 31 राज्यों में पहुंच गए, ज्यादा देर लगने वाला नहीं है। तो कह रहे हिंदू राष्ट्र, हम कह रहे मूल्यवासी राष्ट्र, वो 2025 को करेंगे, हम 2023-24 के पहले ही मूल्यवासी राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और
लिखा है मैंने। स्कॉलर है ये, हिंदी स्कॉलर, हमारे न्यूज़पेपर का एडिटर है ये, ज्वाइंट एडिटर है आपका, कर्नाटक का इंचार्ज अजीज मुस्लिम है, वो बामसिंग का इंचार्ज है। हम गैर मुस्लिम तो कर ही रहे, मुसलमान भी इसके अंदर शरीक है। साथियों यकीनन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों को ये जल्दी समझ में आता है, इसलिए आपको मैंने इतने डिटेल में जानकारी बताई। ये हमें भाषण करने का श्लोक नहीं है, हमें लोगों को रियलाइज कराना है। ये सारी लड़ाई हम मिलकर लड़ सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, इतना सारा सुनकर आप लोगों का किसी का कोई नुकसान हुआ? किसी का हुआ तो बात खड़ा हो, चलो फायदा, अगर फायदा हुआ तो लड़ाई कौन लड़ेगी? मान लो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने इसकी तैयारी की, पास थोड़ा बहुत यश तुमने रिजल्ट आया, अगर इतने लोगों ने अगर तैयारी की, शहर के लिए ये काफी है, जिले के लिए काफी है, देश को तो काफी है, तो इसके लिए शामिल होना पड़ेगा, इसका मेंबर बनना पड़ेगा, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। हमारे लिए हमारे संगठन में 67 ऑफिसर होंगे, बांध से कर्मचारियों का संगठन, नॉन कर्मचारियों का भारत मुक्ति मोर्चा, मुसलमानों के लिए तंजीम मनाया राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, क्यों तंजीम मनाया? यहूदियों ने एक ट्रिपल तलाक और एक दीन को बदनाम करने के लिए काशी का ब्राह्मण इंद्रेश कुमार, जिसने 19 जगह बम ब्लास्ट किए, उसको आज मुसलमानों का रेवर घोषित कर दिया, नेता घोषित कर दिया इंद्रेश कुमार। और वो टीवी पर बयान दे रहा है, वो अपनी औरतों को बुरका पहनाकर टीवी के सामने रख रहा है, अखबारों के सामने रख रहा है, हम नॉन मुसलमानों को रखता है दीन के खिलाफ मुस्लिम औरतों, एक जाली आज धोखे से सबको ये कर रहा है। तो नुमानी साहब और बाकी लोगों ने कहा, अगर मोहन भागवत बना सकते तुम बनाओ, ताकि उनको जवाब मिले। आरएसएस को काट किया हमने, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, और उसके राष्ट्रीय सदर है मालेगांव के मौलाना हजरत मौलाना अब्दुल हमीद हजारी साहब, ये हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो हमारे राष्ट्रीय सदर है। हमारे मार्गदर्शक हजरत नुमानी साहब, इनका संगठन है अप्पा जी, इन लोगों ने लाखों के मोर्चे सड़क पर उतारे, ये राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा के सदर है, ऐसे विद्यार्थियों का संगठन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, तो ये तरीके से होगा। और ये प्रोग्राम के बाद अजीज और ये लोग एक तरवीदी कैंप की आपको तारीख देंगे, यहाँ 200 लोगों की इकट्ठा ज्यादा नहीं, एकदम खुसूसी हर हर एक कम्युनिटी के नौजवान, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे तो भी चलेगा, ईमानदार होने चाहिए। एक तरवीदी कैंप करो, कमेटियां गठित करो, फिर देखो मामला क्या होगा, इसी से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।